कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल बरेली एस्ट्रो ज्योतिष में। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बड़ा प्रेम भरा जय माता दी। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिथुन राशि मई 2019 में किस प्रकार से रहने वाली है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं अपना वीडियो माता रानी का नाम लेकर। 1 मई से 10 मई के बीच में राहु के उच्च गोचर में होने से हर कार्य में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। दोस्तों, अध्ययन में रुचि होगी। 6 और 7 को व्यापार के धन में लेन देन में जागरूकता रहेगी। व्यापारिक यात्राएं भी होंगी। सरकारी तंत्र से आपको हर तरीके से मदद भी प्राप्त होगी। दोस्तों, 8 तारीख से समय आपके लिए और उत्तम हो जाएगा तथा सहयोग भी प्राप्त होता रहेगा। अब बात करेंगे दोस्तों 11 मई से और 20 मई के बीच में, तो शनि केतु की दृष्टि एवं राहु का गोचर आय में वृद्धि अवश्य कराएगा। नौकरी में पदोन्नति के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। संतान से भी सुख प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। नए कार्य में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। योजनाएं सफल होती हुई आपको दिखाई देंगी, इसलिए अपने आत्मविश्वास को दृढ़ करते हुए आप नई नई योजनाओं को बनाइए और उनमें सफलता प्राप्त कीजिए। लक्ष्य साधने का ये समय है। प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी एवं विवाद पूर्ण मामलों के पक्ष में फैसला आप पर आएगा। बस एक छोटा सा ध्यान रखना है कि क्रोध पर आपने संयम रखना है, नहीं तो सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा और जितनी भी भविष्यवाणी है वो सब उल्टी हो जाएगी। इसलिए क्रोध से बचें और संयम का परिचय दें। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग 21 से 30 मई के बीच में। समय शानदार है। मंगल राहु का अंगार योग एवं शनि चंद्र एवं केतु की दृष्टि भी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा का गोचर बेहतरीन सफलताएं देता हुआ दिखेगा। आय अच्छी बनी रहेगी। अन्य मामलों में भी सफलताएं प्राप्त होंगी। दोस्तों, 23 और 24 को आर्थिक पक्ष कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। कार्यस्थल पर विवाद भी हो सकता है। 25 से परेशानी आने की कोई भी संभावनाएं दिखाई नहीं देंगी, तो आपको 23 और 24 मई को थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आपको विवादों में घेरा जा सकता है। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है, क्रोध पर संयम रखना है। किसी भी प्रकार से कोई भी आपको उकसावे, आप उकसावे में ना आकर और क्रोध पर संयम रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं नौकरी और विस्तार से पूरे वीडियो के लिए। ये महीना शुरुआती परेशानी के बाद जॉब में बेहतरीन अवसर दिलाएगा। ग्रहों की स्थिति के कारण आपको प्रसन्नता मिलेगी और कार्य भी आप समय पर पूरा कर पाएंगे, जिस कारण से आपकी प्रशंसा चारों तरफ होगी और आपका इससे तरक्की होने की पूरी संभावनाएं हैं। आर्थिक और पद दोनों में ही आप मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। अब बात करेंगे दोस्तों व्यापार की, तो व्यापार में समय सामान्य रहेगा। किसी तरह का जोखिम लेने से बचें। आपको सफलताएं तो मिलेंगी परंतु कुछ आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जब आप अंधविश्वास करते हैं किसी पे तो वो आपको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आप सावधान रहें, सुखी रहें। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आपको व्यापार से कोई लाभ नहीं होगा। दोस्तों, जोखिम लेने से आपको लाभ जरूर होगा, परंतु आँख बंद करके विश्वास ना करके आप आँख खुली रखकर विश्वास करके काम करेंगे तो अवश्य होगा जोखिम से भी लाभ। दोस्तों, बात करेंगे परिवार की, तो परिवार से मनमुटाव खत्म होंगे। रिश्तों में ताजगी का अनुभव करेंगे। कोई यात्रा या पिकनिक जैसा आयोजन भी हो सकता है। संतान पक्ष से थोड़ी सी परेशानी इस समय पर आती हुई दिखाई देगी, तो दोस्तों पिकनिक पर जरूर जाएं, पर संतान को सचेत और सावधान रखें और निगाहों के सामने रखें, जिससे कि कोई भी परेशानी ना खड़ी हो। अब बात करेंगे दोस्तों सेहत की, तो क्रोध के कारण आपका ब्लड प्रेशर प्रभावित हो सकता है। अगर आपका रक्तचाप या शुगर के मरीज हैं तो इस माह थोड़ी आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा। पुराने झगड़े खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, कोई भी बात आपको बहस का मुद्दा ना बनने दें। रिश्ते में बेहतर अनुभव करेंगे। घर में शांति और प्रेम का माहौल बना रहने वाला है। तो प्यारे मित्रों, दाम्पत्य जीवन आपके लिए सब कुछ
खुशियां ही लेकर आया है, बस थोड़ा सा ग्रोथ पर संयम रखना होगा। अब बात करेंगे संपत्ति की, तो संपत्ति के आपको कुछ लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। किसी परेशानी के चलते कोई संपत्ति का सौदा अवश्य अटक सकता है या फिर कानूनी दिक्कत आ सकती है, इसके प्रति आपको सावधान और सचेत रहना होगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई कि आपके कुछ कार्य रुक भी सकते हैं, तो उनका उपाय करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अवश्य ही आपको फ़ायदा होगा। गणपति जी का दशम नाम का पाठ करें, उससे आपके रुके भी सभी कार्य बन जाएंगे। किसी गौशाला में अगर चारे का दान करते हैं तो आपके घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं होगी एवं चोर द्वारे आएगा उसको आप भरपूर दान देकर खुशी से विदा भी कर पाएंगे। दोस्तों किन्नरों को भेंट दें, ये बहुत जगह आपने सुना होगा। यदि आप किन्नर को कोई भेंट दें और खुशी होकर वो कह दे आप खुश हो जाएं, खुश रहें, आपके बिगड़े काम बन जाएं इत्यादि, आपको किन्नर अगर खुशी से आपको आशीर्वाद दे दे तो आपके किसी भी प्रकार के ग्रह क्यों कितना ही क्यों ना खराब हों, आपके ग्रह सुधर जाएंगे। दोस्तों तो किन्नर को अवश्य भेंट दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रयास करें। तो प्यारे मित्रों हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय माता दी।